इच्छा बहुत हो तो दुख ज्यादा है, इच्छा कम हो तो दुख कम है, और इच्छा बिल्कुल नहीं हो तो सुखी है, बस इतना समझो। ठीक है। अब किसी को ये मिथ्या दर्शन होने के कारण ऐसा भ्रम होता है कि किसी के पास परिग्रह ज्यादा है, सामग्री ज्यादा है, तो वो ज्यादा सुखी होगा। समझ में आया ना? और अब जैसे मान के चलो, मैं आपसे कैसा, अभी देखो अपन की कैसी आदत है। कई दफे ऐसी बातें हो जाती हैं, हमने कहा वो फलाने व्यक्ति तो बीमार है, उनको ऐसी दो 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 तीन चार बीमारी। अरे बीमारी भली, पैसा बहुत है, ये सुने होंगे तुमने, क्या कहते हैं, बीमारी बहुत है लेकिन पैसा बहुत है। अरे तो भाई उनको, अरे अब ठीक है, बड़े पैसे लोग होते हैं, छोटी बीमारियां तो होती है, वो इलाज हो जाते हैं उनके सब, उसको दुख नहीं दिखता उस पैसे के सामने, उसका दुख नहीं दिखता। ख्याल में ना, उसको दिखता उसकी 4 कोटियां गड़ी और 1 कोटी 5 करोड़ की, 4 कोटी 20 करोड़ की हिसाब लगाता रहता है, वो बेचारा तड़प रहा है, वो कह रहा बचा लो। अरे साहब आपकी 4 कोटी गड़ी, कोई सच बता ऐसा हो कि जो तड़प रहा हो बीमारी से, परेशान हो, तुम उसे देखने जाओगे भैया बहुत तकलीफ। अरे काहे की तकलीफ, आपकी 5 करोड़ की 1 कोटी 4 खड़ी है, 25 करोड़ 20 करोड़ रुपए के मालिक हो आप। वो कह गए पागल पागल हो गया क्या, क्यों, आप ही तो कहते थे पैसा सब कुछ है, अब काहे का दुख, उनका सुख मनाओ। जब शरीर का दुख आता है ना, तो जीव बाहर के सब सुख भूल जाता है। ये जब तक शरीर टंच रहता है, तब तक ये बाहर के सुख दिखते हैं। शरीर में तकलीफ पीड़ा आ जाए तो सब सुख बेकार, लड्डू पेड़ा बेकार, पत्नी बच्चे बेकार, पड़ोस पड़ोसी बेकार, सब बेकार, भाई बंधु बेकार, कुछ नहीं रखा। कि क्यों, अभी तो तुम कहते थे यही सब कुछ है, इनके बिना कुछ नहीं है, कि जब तक मैं सही था। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अभी अपन को लगता है हमारा जो दुनिया से प्रेम कम कैसे हो, भाई बंधुओं से प्रेम कैसे हो, कम कैसे हो। अरे भाई साहब, ये देह से जहां तुम्हारा सिस्टम बनेगा ना, वह सब टूट जाएगा। बीमारियां आती हैं, लोग बात नहीं करते। आप कहोगे कैसी बीमारी आ गई ना, बड़ी बीमारी, डला हुआ है, उसकी पत्नी उसके पास आती, जाओ इधर से, पत्नी से बात नहीं करता, बच्चे जाओ, चिड़चिड़ाता है, क्योंकि उसको तकलीफ इतनी होती है, उसका मन नहीं लगता कहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? तो देखो भैया, ये मान्यता अभी बदल दो कि बहु आरंभ परिग्रह से जीव सुखी होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस जीव के लौकिक तरफ से बात करें, जिस जीव की इच्छा कम है वो जीव थोड़ा कम दुखी है, लेकिन जिस जीव के इच्छा बहुत है वे जीव दुखी ही है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो कुछ भी हो। पकड़ में आ गई बात? इसलिए अब अपना दिमाग लगाओ कि मुझे तो इच्छा कम करनी है। मुझे क्या कम करनी है? इच्छा। मुझे ये बहुत पैसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये गणित बिल्कुल गलत है। क्योंकि गणित तो उल्टा ये है कि जितना पैसा बढ़ेगा, गणित वैसा नहीं है कि पैसा बढ़ेगा तो इच्छा घटेगी, गणित कैसा है? ख्याल में आएगी नहीं आया? मैंने आपसे कई दफे कहा, कल परसों डांट दिया था इस बात को समझाने के लिए, कि जिस आदमी के पास एक ही दाल है और एक ही प्रकार की रोटी है, वो जितनी शांति से भोजन कर सकता है, 56 प्रकार के भोग, 56 प्रकार के व्यंजन जिसकी टेबल पर रखे हुए हैं, वो उतनी शांति से भोजन नहीं कर सकता। ये परम सत्य है कि नहीं? लेकिन मैं तुमसे प्रश्न करता हूं कि तुम 56 प्रकार के भोग वाले को सुखी मानते हो कि दाल रोटी वाले को मानते हो? प्रश्न तो ये है, बात तो ये है कि मिथ्या दर्शन कहता है कि जिसके पास 56 प्रकार की थालियां हैं उसके मजे होंगे। अंत समझ में आया कि नहीं है? जो दाल ही रोटी खा रहा है उसके काय के मजे, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। क्यों? क्या मैं ये समझ में ही नहीं आता कि भाई सुख का लक्षण दाल रोटी अथवा व्यंजन थोड़े ही है, अंदर इच्छा कितनी है। अंत समझ में आया? अरे जिसके 5 मकान है और जिसका 1 मकान है, समझ ना मेरी बात, चिंता ज्यादा किसकी होगी? 5 वाले के, स्वाभाविक है। क्यों?
कि उसको पांच का विकल्प सताएगा कि कोई कब्जा नहीं कर ले, कोई दीवार नहीं गिर जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। हम जिसके यही ले देंगे एक और वो रहता ही उसी में है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि बहु आरंभ परिग्रह से सुख नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर मिथ्या दर्शन तीव्र है, उच्च कोटि का मिथ्या दर्शन है, तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। अगर निम्न कोटि का है तो अब भी समझ में आ जाएगी कि भाई साहब बहु आरंभ परिग्रह से कोई सुख नहीं होता।